नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका असम फूड फॉरेस्ट में। मैं राहेल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे एक नए प्लांट के बारे में जिसे रेड बनाना कहते हैं। इतना अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, तो रेड बनाना मैंने लगाए हैं। मुझे लगाए हुए इसमें 4 महीने हो गए हैं और ये इतना बड़ा हो गया है। रेड बनाना के मेरे पास टोटल 5 प्लांट्स हैं, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और मैंने इसमें कुछ खास केयर लिया नहीं है। इसमें मैंने गोबर की खाद दी है और एक बार एनपीके का छिड़काव किया है। दोस्तों, अगर आप कमर्शियली इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ज़मीन की जो उपजाऊ फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए आप यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटाश डाल सकते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी हो। इस बनाना के गुण बहुत हैं दोस्तों। इसका छिलका रेड होता है और इसके जो पल्प होता है वो वाइट या येलोइश कलर का होता है। ये किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है, आईसाइट को बूस्ट करता है। इसको डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सकते हैं, तो इसमें गुण ही गुण है। आपकी ये ब्लड हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। तो रेड बनाना बहुत ही एक पौष्टिक फल है दोस्तों। दोस्तों, वैसे तो ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो गर्म और ह्यूमिडिटी वाले जलवायु में बहुत अच्छा करता है। तो भारत के ज़्यादातर पार्ट्स में ये ग्रो हो जाता है अच्छे से, केरला ही कहिए, असम कहिए, तो आंध्र प्रदेश और इधर बंगाल, तो और इधर जितने भी निकटवर्तीय क्षेत्र हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में ये बहुत अच्छा सर्वाइव करती है और बहुत अच्छा फ्रूटिंग पे आती है। तो इसका फल जितना पौष्टिक है उतना ही इसको लगाना आसान है। तो आप भी अगर लगाना चाहें तो रेड बनाना लगा सकते हैं। लगाते समय आप पौधे से पौधे की दूरी को 8x10 रख सकते हैं, मतलब 8 फीट, 6 फीट भी रख सकते हैं। 6 फीट से 8 फीट तक आप इसका डिस्टेंस रख सकते हैं। और इसमें से नीचे से बेबी बनाना प्लांट्स भी निकलते हैं राइजोम से, तो उन प्लांट्स को भी आप अलग जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बनाना में हर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता ही है, हम सबको पता है। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आयरन, पोटाशियम में ये बहुत रिच है। वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत